नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनी एयरक्राफ्ट के बारे में। बोधगया में आज एक बड़ा हादसा टल गया। सेना के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि इस पर एक ट्रेनी और एक ट्रेनर सवार थे, दोनों सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेनर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार आर्मी के इस एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग दी जाती है। शुक्रवार को भी ट्रेनिंग के लिए एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरा, लेकिन कुछ ही देर के बाद तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण इसे खेत में अचानक से लैंड कराना पड़ा। इस एयरक्राफ्ट को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें दो ट्रेनिंग पायलट थे, दोनों ही लोग सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आर्मी के जवान स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एयरक्राफ्ट को ओटीए मैदान तक लेकर जाया गया। इस पूरी घटना को लेकर बताया जा रहा है कि यह घटना बोधगया थाने क्षेत्र के बगदाहा बेली आहार के पास हुई। इस एयरक्राफ्ट से पायलटों की ट्रेनिंग दी जाती रही थी। अचानक से हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। अब मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इंडियन आर्मी की लाइट एयरक्राफ्ट M-102 ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट से जो है वह ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उड़ान के बाद तकनीकी खराबी के कारण इसे आपात स्थिति में गेहूं के खेत में लैंड कराना पड़ा। इस एयरक्राफ्ट में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे आर्मी के जवान और ग्रामीणों ने इस एयरक्राफ्ट को सही सलामत जो है अपने स्थान पर पहुँचाया है। शुक्रवार की सुबह से ही ओटीए मैदान से एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग दी जा रही थी। उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद से जो है इसे गेहूं के खेत में उतारना पड़ा। यह देखकर और सुनकर दोनों स्थितियां थी, क्योंकि जैसे ही एयरक्राफ्ट को कई लोगों ने जो है अचानक से नीचे उतरते देखा, उसके बाद हड़कंप मचा और ग्रामीण जो है मौके पर पहुंचने लगे। जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है नीचे उतरा खेत में, वैसे ही ग्रामीण जो है वहां पे पहुंचे। उसके बाद जो है साथ साथ आर्मी के जवान भी पहुंचे। उसके बाद जो है इस पूरे एयरक्राफ्ट को जो है वहां ओटीए मैदान में पहुंचाया गया। अब जो स्थिति है उसमें किसान जो है वो जिस खेत में जिसमें गेहूं की फसल थी उसमें एयरक्राफ्ट अचानक से उतरा, वो फसल जो है बर्बाद हुई है। तो अब जो है किसान जो है कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी गेहूं की फसल जो है वो बर्बाद हुई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पायलट जो हैं वो सुरक्षित हैं, दोनों पायलट में किसी तरह की कोई घटना की बात सामने नहीं आई है। ऐसे ही एक घटना जो है पिछले साल भी सामने आई थी, जो कि बक्सर में सामने आई थी। उसमें चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो जो है एक तरह से कह लें कि बक्सर में उसमें भी तकनीकी खराबी के कारण वो एक मैदान स्कूल के मैदान में उसे उतारना पड़ा था, और उसके बाद जो है वो उड़ान नहीं भर पाया। उसके लंबे मशक्क़त के बाद वो जो है फिर से उड़ पाया था। तो अब जो है एक बार फिर से आर्मी का एक एयरक्राफ्ट जो है वो अचानक के तकनीकी खराबी के कारण जो है वो गेहूं के खेत में उतारना पड़ा। इसमें जो है दोनों पायलट अभी भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।